नमस्कार, आप देख रहे हैं MM न्यूज। मैं अमित कुमार आनंद आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। बांका पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बांका जिला अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चांदन नदी के किनारे मिले पुरातत्व अवशेष, मृत भांड, मिट्टी के टूटे बर्तन का निरीक्षण और अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा 1995 की बाढ़ में नदी की धारा बदल गई है। जो नदी की पुरानी धारा थी यदि ठीक कर दी जाए तो खुदाई और अनुसंधान में सहायता मिलेगी और सब चीजों की जानकारी भी होगी। इसे राज्य ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोग जानेंगे तथा इसे पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यह स्थल 2600 वर्ष पुराना है जो महात्मा बुद्ध से जुड़ा है और हम इसे प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के ग्रामीण कार्य व विकास, सूचना जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन प्रधान सचिव चैतन्य, कमिश्नर वंदना कीनी, DIG सुजीत सहित जिले के सभी पदाधिकारी एवं मंत्री रामनारायण मंडल, बेलहर के विधायक मनोज यादव, अमरपुर विधायक जयंत राज उपस्थित रहे। लेकिन ये बिहार के विभिन्न हिस्सों में क्या था? और सब कुछ था। तो देख करके जैसे ही ये बात हुई तो मेरे मन में था कि हम जा करके भी देखेंगे। अब कल तो तय था, कल का मौसम खराब था, नहीं आ सके। फिर हमने कहा आज ठीक होगा तो आज जाएंगे, तो आज आ गए और देख लिया। और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है और इसके लिए जो नदी का धार वहां से है उसके बारे में यह भी बात जो कह रहे हैं कि वो तो चानन डैम पर तो हम कई बार आ चुके हैं, तो मालूम है गाद हटाने की जो बात हुई थी। हाँ, वही उसी के बारे में भी, उसके बारे में हमने पूछा उन सब चीजों के बारे में। और ये कहा है, अभी माननीय मंत्री जी भी आए हुए, विजय कुमार चौधरी जी जो पहले देख रहे थे 10 से 15 तक के बीच में, पुनः ये देख रहे हैं, इसलिए ये भी आ गए हैं और देख लेंगे। और सब जगह वहां का भी जो काम है चानन डैम का वो तो होगा ही। लेकिन जो आप लोगों ने कहा ना कि आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं। और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और फिर यहाँ के गांव के बारे में भी जब बात पूरी जानकारी मिल गई तो बहुत, आप समझ लीजिए जो ऐतिहासिक बात है, जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए ताकि ये इलाका अगर और ज्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नजर रख के कुछ न कुछ किया जाएगा। तो ये बहुत ही सब चीजों की जानकारी होगी और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह लोग आएंगे, बहुत अच्छी जगह जी जी। और मुझे खुशी है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ और हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं इस काम को कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग, हम सब लोगों को कहेंगे जी, जितने भी हमारे जो भी राजनीतिक साथी सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों पर बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और जो लोगों और इसका जो पौराणिक इतिहास है इस बात को जान लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीजें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये देख करके इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि भले ही लोग, और इसलिए हमने कहा कि जो नदी है ना का धार जो इधर है इसको अगर दूसरे तरफ जो पुराना सबसे ओरिजिनल धार है उसमें अगर डाइवर्ट किया जा सके तो फिर यहाँ पर उसकी खुदाई का अवसर मिल जाएगा, उजागर करना चाहिए। तो आज तुम आकर के देख लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ऐसा मत समझिए कि और कुछ काम नहीं, ठीक है, हम आगे भी नहीं जी 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 सर, सर आर्कियोलॉजिकली अगर प्रूफ होता है तो आज सुबह प्राप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक मद निषेध एवं शंभुगंज थाना अधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में बंसीपुर ग्राम में नीरज सिंह के आवास के एवं सन्निकट परिसर की तलाशी ली गई। यहां छापेमारी में कुछ बरामद नहीं हुआ। छापेमारी के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर नीरज सिंह के खेत में बने पंप हाउस
एवं सन्निकट स्थल जो भागलपुर जिला के बाद थाना का क्षेत्र है की तलाशी बाद थाना बल के साथ संयुक्त रूप से लेने पर एक झोला से विदेशी शराब की 12 बोतल बरामद कर नीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। केस बाद थाना में दर्ज है। नीरज सिंह के यहाँ पूर्व में भी कई बार रेड किया गया परंतु सफलता नहीं मिली थी। दिनांक 13 दिसंबर 2020 को बाराहाट स्थित दुर्गा स्पोर्टिंग मैदान पर बिहार राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन माननीय विधायक श्री रामनारायण मंडल, माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, एडीजे प्रथम जावेद अहमद, एडीजे तृतीय मोहम्मद सलीम, सीजीएम बांका श्री अवधेश प्रसाद, एडीपीओ मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब के सचिव सुरेश प्रसाद यादव, अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर विश्वजीत सिंह, लोहा सिंह, मुन्ना सिंह, महेंद्र सिंह, जयकृष्ण चौधरी, उदयकांत यादव, निजाम दुर्रानी सहित जिला खेल संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। गंतव्य हो राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट जिले में पहली बार आयोजित हो रही है।